अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज जो है हम नुल्ला मासाबली को जा रहे हैं और वहाँ पर जाने के बाद जो है मैं आपको पूरी दरगाह की डिटेल वहाँ पर जाने के बाद दे दूँगा किस तरह की दरगाह है। वहाँ पर एक जो है बहुत बड़ी नदी है, नदी को क्रॉस करके दरगाह के लिए जाना होता है। आपको मैं सारी अपडेट दरगाह में जाने के बाद दे दूँगा। पोखरनी घाटे तक आ चुके हैं, आप देख सकते हैं मेरे पीछे जो है ये पोखरनी है और यहाँ से जो है हमें अब जाना है दरगाह के लिए। और हमने यहाँ से एक दो जनों को पूछा है और वो कह रहे हैं कि यहाँ से सालापरमपुरी जो है वो 10 से 15 किलोमीटर दूर है और वहाँ से जो है 7-8 किलोमीटर जो है वहाँ से दरगाह है। तो चलिए वीडियो को पूरा देखना और हमारे चैनल पर बने रहिए दरगाह की पूरी अपडेट पाने के लिए। और हम आप जो है दरगाह के लिए निकले। सालापरमपुरी पर पहुंच चुके हैं और 30-40 किलोमीटर हम जो है गाड़ी पर रन करके आए हैं। जो है इतने सारा जो अब खत्म हो चुका है और हम जो है देख सकते हैं पापा जो है ये बहुत बड़ी नदी है। यहाँ से जो है इसमें खास बात ये है कि हमें यहाँ से जो है टोकरे में बैठ के दरगाह पे जाना पड़ता है। देख सकते हैं आप मेरे सामने वो जो धार दिख रहा है आपको वही दरगाह है। और अभी हम जो है वो भाई वो टोकरा लेकर इधर आएंगे और हम टोकरे में बैठ के दरगाह के लिए जाएंगे। तो बहुत ही वीडियो जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। हमारे चैनल पर बने रहिए पूरा। हम जो है आपको नदी के अंदर जाने का व्यू पूरा टोकरे में हम किस तरह बैठ रहे हैं वहाँ तक जा रहे हैं कि आपको सब बताएंगे आपको किस तरह से मज़ा आने वाला है। बहुत मज़ा आने वाला है आपको भी और मुझे भी। वीडियो में बने रहे। तो चलिए नाजरीन हम अब टोकरे में जाके बैठने वाले हैं। देख सकते हैं हमारे सामने टोकरा है और टोकरे में बैठ के हम अब दरगाह के लिए जाएंगे। तो चलिए टोकरे पास चढ़ते हैं। टोकरे वाले भाई है ये, नदी में टोकरा चला के दरगाह तक लेकर जाते हैं। ये भाई है वो हम टोकरे में बैठेंगे और ये भाई जो है टोकरा चलाएंगे। तो देख सकते हैं नाजरीन हम जो टोकरे में बैठ चुके हैं, टोकरे में बैठ के जो है हम दरगाह के लिए जा रहे हैं। और ये जो पानी है हमसे टोकरे से समझे समझो 1.5 या 2 फीट नीचे पानी है और पानी जो है बहुत पानी है और बहुत ठंडा पानी है। देख सकते हैं आप कितना खूबसूरत नज़ारा है। हम टोकरे के अंदर से जा रहे हैं नाजरीन, बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है। हमारे साथ के लोगों को भी जो है बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत इंजॉय कर रहे हैं। तो नाजरीन हम जो है टोकरे से नीचे उतर चुके हैं और आप जाएंगे दरगाह के लिए। चलिए चलते हैं दरगाह में। देख सकते हैं आप जो मेरे सामने जो है दरगाह है और अभी हम जो है दरगाह की तरफ जाएंगे। चलिए जो हम दरगाह के पास आ चुके हैं और अंदर का जो है हम इजाजत लेके आप अंदर का वीडियो आपको दे देंगे। नानी ने हमें परमिशन दी थी अंदर वीडियो बनाने की, तो
उधर जाके जो है वो पूरा वीडियो बनाएंगे और आपको पूरा वीडियो मिलेंगे। तो हम दरगाह के अंदर आ चुके हैं, देख सकते हैं आप ये जो है गुलामा सबनी की मज़ार है, ये उनकी दरगाह है, देख सकते हैं आप कितनी खूबसूरत है। और बहुत सारे लोग जो है यहाँ पे अपनी मन्नतें लेके आते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं आप हरी चूड़ियाँ यहाँ पे बांधे हुए हैं और बहुत सारे यहाँ पे जो है आपको धागे देखने को मिल जाएंगे बांधे हुए मन्नत के। यहाँ पर जो है बहुत सारे लोग अगरबत्ती वगैरह लगाते हैं, इसलिए आगे बढ़ते हैं। देख सकते हैं आप ये जो झाड़ है, काफ़ी वक्त से यहाँ पे ये झाड़ है, बहुत पुराना झाड़ है, बहुत खूबसूरत और बहुत बड़ा झाड़ है ये, देख सकते हैं आप। यहाँ पर जो है नारियल फोड़े जाते हैं, देख सकते हैं अभी जगह यहाँ पे नारियल फोड़ते हैं और यहाँ जो है अगरबत्ती यहाँ पर लगाई जाती है, जो लोग लाते हैं यहाँ से लेते हैं शिवनी वगैरह, अगरबत्ती यहाँ पर लगाई जाती है, देख सकते हैं। तो हम जो है दरगाह के अंदर जाकर आ चुके हैं और अभी जाके थोड़ी आगे जाके थोड़ी बात करेंगे। तो अंदर से बता दी और ज़्यादा दरगाह इसलिए नहीं हम आपको बता पाए क्योंकि तो अंदर लेडीज़ आती है, इसलिए हम आपको ज़्यादा बता नहीं पाए। जैसे कि आपने हमारा वीडियो पूरा देखा, इसके लिए हम आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। और इसी तरह का नए वीडियो की अपडेट जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा ले। बेल आइकन को दबाने से क्या होगा, हम जब भी नई वीडियो बनाएंगे तो हमारी वीडियो सबसे पहले आपसे जो है नुल्ला मासमनी दरगाह का जो है वीडियो, आपने पूरा वीडियो देखा। और पहले तो मैं आपको मेरा चैनल का पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने जो है आपका कीमती वक्त निकाल कर हमारा जो वीडियो आपने पूरा देखा है। और यहाँ का जो नुल्ला मासमनी का जो संदल है, ये 16 रजब को यहाँ पे संदल होता है, यहाँ पे संदल 16 रजब को चढ़ाया जाता है। और सुनने में ये भी आया है कि जो खंदार शरीफ की दरगाह है मेन दरगाह, तो लोग ऐसा कहते हैं कि यहाँ पे संदल चढ़ने के बाद खंदार शरीफ को ऑटोमेटिक जो है संदल चढ़ जाता है, यहाँ के चढ़ने के फौरन बाद। वहाँ पर जो है कोई संदल को चढ़ाता नहीं है, कुछ नहीं है, खुद ब खुद वहाँ पे कुदरत से संदल चढ़ता है, ऐसा हमें सुनने में आया है। तो जब भी यहाँ का संदल होगा तो हम क्या करेंगे, आपको हमारे चैनल के माध्यम से आपको पूरी हम आपको अपडेट दे देंगे। यहाँ का भी हम यहाँ पर भी आएंगे, हमारी टीम कुछ यहाँ पर भी आएगी और खंदार शरीफ में हमारी कुछ टीम जाएंगी, जैसे यहाँ का संदल चढ़ता है तो हमको टीम वाले कॉल करके बता देंगे कि यहाँ पे संदल चढ़ चुका है, तो हम खंदार में पहले से ही मौजूद होंगे आपको पूरे वीडियो को अपडेट देने के लिए। जैसे ही समझो वहाँ पे ऑटोमेटिक संदल चढ़ता है तो हम आपको अपडेट दे देंगे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने का फायदा ये होगा कि हम जब भी कोई नई वीडियो डालेंगे तो हमारी नोटिफिकेशन वीडियो की सबसे पहले आप तक आएगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।